हेलो वेलकम बैक इस अदर ब्रांड न्यू वीडियो। बेसिकली हमारा 2 फीट का प्लांटेड टैंक है जो कि अब नहीं रहने वाला है, यानी कि मैं इसके सभी प्लांट्स ऑफिसर्स को निकाल के इसमें बनाने वाला हूँ सिकलेट फिश का टैंक सेटअप। हैवी वाटर ड्रॉप के चलते देख सकते हो काफी ज्यादा कैल्शियम जम चुका ऊपर, जिससे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हट जाएगा ऐसे हिसाब करने पर। तो प्लांट्स की क्वालिटी देख सकते हो, काफी ज्यादा लेस ग्रीनरी है इसके अंदर, हर तरफ हॉर्नबर्ट और बहुत सारे प्लांट्स से पूरा भर चुका है टैंक, यानी कि इसमें काफी ज्यादा ऑक्सीजन है विदाउट एयर पंप, विदाउट CO2 और विदाउट फर्टिलाइजर। प्लांट्स की क्वालिटी तुम देख सकते हो, पूरा ग्रीन ही ग्रीन सिस्टम है भाई फिशेस का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके सभी प्लांट को निकालते हुए। और बॉटम में सॉइल यूज करने की वजह से काफी अच्छे से रूट भी डेवलप हो गए थे, जिससे कि मुझे प्लांट निकालने में थोड़ी सी दिक्कतें हो रही थी। तो टोटल इतना मटेरियल निकला हमारे प्लांटेड टैंक से, तो चलो इसमें पानी फिल कर लेते हैं वरना ये सूख सकता है। बाकी ये कुछ फ्लोटर प्लांट जिनको मैं रखने वाला हूँ, तो इनको भी निकाल लेता हूँ। एंड यहाँ पर हमारे सभी फ्लोटर प्लांट निकल चुके हैं, अब बारी है ड्रिप वुड को हटाने की। और साथ में जो हमने मनी प्लांट लगा रखा है इसको भी हटाना है। और देख सकते हो मनी प्लांट का ग्रोथ थोड़ा सा रुक गया था बीच में। चलो पहले मनी प्लांट को हम हटाते हैं और देख सकते हो हमारा ड्रिप वुड काफ़ी मस्त सा है, काफ़ी यूनिक सा है। और मेरे को भाई ये फ्री में मिला था, यानी कि मैं इसको ले गया था रिवर से, काफ़ी अच्छे शेप में मुझे मिल गया था। और अगर तुम लोग जाते हो मार्केट में लेने, तो भाई 2000 तक भी पड़ सकता है इसका कॉस्ट। चलो उसको भी निकाल लेते हैं, हमारे अगले प्रोजेक्ट में काम आएगा। ओके, तो सब कुछ रिमूव हो चुका है सिवाय पानी, स्ट्रीम, सब्सट्रेट और फिशेस के। एंड मैं तुम लोगों को बता दूं कि सब्सट्रेट के नीचे, मतलब मैंने सब्सट्रेट में यूज़ किया है रिवर सैंड, और रिवर सैंड के नीचे एक लेयर है सॉइल का, जिससे कि आपस में पूरा मिल जाएगा। यानी कि मेरे को दोबारा से अगर सैंड यूज़ करना होगा तो मेरे को पूरा अच्छे से वॉश करना होगा, नहीं तो पानी पूरा ख़राब हो जाएगा, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत का काम है। बाकी हम लोग फिशेस को निकाल लेते हैं, एंड इसमें 2-3 श्रिम्प भी है तो उनको भी पकड़ना है अभी। तो अब बारी फिशेस को रिमूव करने की, जो कि बहुत चुटकियों का काम है ऐसा मुझे लगता है, पर है नहीं। चलो पकड़ के देखते हैं। एंड गाइस, नेट तो टेरेस पे रखा हुआ है और रात हो रही है, तो मैं जाऊंगा नहीं छत पे, तुम लोगों को पता है मेरी कितनी फटती है। तो हमारी फीमेल बेटा हाथ में आ चुकी है और उसको डाल देते हैं सिंपली पानी में। सबसे ज़्यादा भाई मेहनत का काम है वाइल्ड जेब्रा डेनियोस को पकड़ना, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। बाकी मॉली फिश को तुम लोग पकड़ ही लेंगे, ऐसे तो फिश निकलने से रही, अब नेट लाना ही पड़ेगा। बस हवा निकल गई। तो इस छोटे से बकेट में मैंने अपने सभी फिशेस को रिमूव कर लिया है। ओके, तो अभी बारी है वाटर चेंज किया है। वाटर चेंज करने के बाद हम लोग निकालेंगे सभी सब्सट्रेट जितने भी हैं इसके अंदर, उसके बाद फिर उसको भी अगेन वॉश करना पड़ेगा। अगर यूज़ में आएगा तो यूज़ करेंगे, वरना मेरे पास और भी सैंड है, बट फिर भी इसको हम लोग यूज़ कर लेंगे किसी तरीके से। काफ़ी ज़्यादा वॉश करना पड़ेगा, लगभग 20 बार लग जाएगा वॉश करने के लिए। तो चलो जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हुए वाटर चेंज भी कर लेते हैं। ओके, तो इसमें सभी पानी रिमूव हो चुका है और देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा गंदगी मच चुका है, पूरा सैंड और सॉयल एक ही मिक्स हो चुका है। और मैंने इसमें एक श्रिम्प को देखा था जो कि इसी में रह गया, तो उसको लोग जल्दी से कैच कर लेते हैं। तो ये आ चुका हमारे हाथ में, देख सकते हो ग्रीन ग्रीन। ओके, तो हमारा सारा सैंड सब्सट्रेट निकल चुका है और इसको मैं वॉश करके फिर से यूज़ कर लूँगा किसी दूसरे प्रोजेक्ट में। बाकी पहले अभी इसका हम लोग को पानी फेंकना है और फिर इसको अच्छे से क्लीन भी करना है टैंक को, और मैं क्लीन करूँगा पूरे प्रेशर वाले पानी से ताकि अच्छे से साफ हो जाए। बाकी तुम देख सकते हो ग्लास में काफ़ी ज़्यादा एल्गे लग चुका है, तो इसको हटाने के लिए मैं ले लिया हूँ एक नींबू और इसको 20 मिनट कट कर देना है। डरना नहीं गाइस, जादू टोना नहीं करने वाला हूँ। खैर, नींबू के जूस से वॉश करने से तुम लोग को पता है ग्लास क्लीन हो जाता है, अगर यकीन ना तो खुद से एक बार करके देखना। एंड फिर अगेन अच्छे से क्लीन करने के लिए मैंने ले लिया बर्तन धोने वाला स्क्रब, और इससे रगड़ रगड़ के अच्छे से साफ हो जाता है, पूरा एल्गे निकल जाता है। ओके, तो ये सारा सैंड हम लोग वॉश के रीयूज़ कर सकते हैं। बाकी हमारे ये सारे मॉली फिशेस हैं और इसमें फीमेल बेटा फिश भी, और साथ में हमारे जो 4 श्रिम्प्स हैं उनको भी डाल लिया इसमें। तो मैं श्रिम्प्स को छोड़ दूंगा इस पानी के अंदर, यानी कि इस टब वाले सेटअप में। चलो एक एक करके सभी को पकड़ते हैं, और देख सकते हो कुछ में एग्स भी हैं और ये काफ़ी ज़्यादा जंप भी करते हैं।
एंड ये वाला टब सेटअप और एनवायरनमेंट लोगों के लिए बेस्ट हुआ क्योंकि इसमें एल्गे भी लगा हुआ और काफ़ी ज़्यादा हाइडिंग स्पेस यानी प्लांट्स काफ़ी सारे इसके अंदर लगे हुए हैं। बाकी इनको रख देते हैं क्लीमेट होने के लिए, इसमें आराम से क्लीमेट हो जाएगा। एंड जब तक ये एक्लिमेट हो रहा है तब तक जाके मैं सैंड वॉश कर लेता हूँ अपने एक्वेरियम में डालने के लिए। तो मैं इस प्रोजेक्ट के लिए न्यू सैंड ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारा है और मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया तो फिर बॉटम में अच्छे से फैला देंगे। एंड गाइस अभी मैं इस पर एक्वास्केप करूंगा नॉर्मल वाला एंड अभी हम लोग फिल कर लेते हैं वाटर। तो ये बेसिकली मैं न्यू वाटर फिल कर रहा हूँ एंड गाइस मैं 50% वाटर फिल करूंगा न्यू एंड फिर बाकी हमने ओल्ड टैंक का वाटर यूज करूंगा यानी कि जिसमें सिकलेट फिश अभी है उसी का पानी निकाल के वापस यूज करूंगा जिससे कि बैक्टीरिया वाला सीन अच्छा बनेगा एंड कोई फिश स्ट्रेस में नहीं जाएगी। अभी देख सकते हो पानी थोड़ा गंदा दिख रहा है लेकिन एक दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। बाकी तुम लोगों को लाइट के बारे में बताया तो मैंने लेके आया था लाइट बाहर से 200 रुपये का एंड वीडियो इसकी पड़ी हुई है। बेसिकली मैं इस लाइट को चेंज करने वाला हूँ क्योंकि देख सकते हो इसका लाइट इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं बिकॉज ये 1 फीट के टैंक के लिए एंड ये जिसमें मैंने लगाया ये 2 फीट का टैंक है तो इसीलिए तो इसको हम लोग किसी और टैंक में लगाएंगे। बाकी अभी लोग निकाल के दूसरा LED बल्ब लगा लेते हैं। एंड अब बारी फिश को इंट्रोड्यूस करने की, ऐसा एक्लिमेट करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि दोनों का पानी का टेम्परेचर सेम है, पानी भी एकदम एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो रिलीज कर देते हैं। ये बहुत अच्छा साइन है कि तुरंत फिश फूड खाने आ रही है और ये स्ट्रेस में तो काफ़ी सही है मेरे लिए, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा देख के। एंड बाकी तुम लोग देख सकते हो कैसा लगा, सिंपली मैंने रखा है और मैं इसके लिए फ्यूचर सोचूंगा कि एक टॉप फिल्टर बना पाऊँ, जरूर बनाऊंगा और उसकी भी वीडियो डालूंगा DIY टॉप फिल्टर। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पर जरूर से फॉलो कर लेना। कुछ भी पूछने के लिए कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे को जरूर फॉलो करना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।